और 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ के बाद से बाबा साकार हरी अंडरग्राउंड है, लेकिन बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन न्यायिक आयोग की टीम जांच करने के लिए हाथरस पहुंची और हाथरस पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम ने भगदड़ के समय वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। आयोग की टीम आज सुबह से ही एक तरह से आप कह लें जनता दरबार के रूप में यहां पर लगाई है ताकि जनता अपनी बयान यहां पर रिकॉर्ड करवा सके। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस में हुई घटना के बाद योगी सरकार ने 3 सदस्यों वाली न्यायिक आयोग का गठन किया है जो लगातार हादसे से जुड़े सबूत जुटाने में जुटी है। न्यायिक आयोग का कहना है कि वो घटना से जुड़े एक एक शख्स का बयान दर्ज करेगी और फिर इन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान लिए। एक तरफ न्यायिक आयोग हादसे से जुड़े सुराग जुटा रही है, वहीं एसटीएफ ने भी बाबा साकार हरी की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया है। खबर है कि इस मामले में ईडी को भी शामिल किया जा सकता है जो बाबा की अकूत संपत्ति की जांच करेगी। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। अब बाबा के सत्संग में गए सुधीर नाम के एक शख्स ने हाथरस में मची भगदड़ को लेकर के बड़ा खुलासा किया है और सुधीर ने न्यायिक आयोग की टीम को बताया कि खुद बाबा ने मंच से लोगों को उनके पैरों की रज लेने को कहा था और बाबा के पैरों की धूल लेने के चक्कर में ही वहां भगदड़ मच गई। उसी चक्कर में अफरा तफरी मची और जो गिरता चला गया वो दबता चला गया और उसी वजह से उन भीड़ के प्रेशर से दूसरे साइड में खेतों में जाके लोग गिरे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने भी हाथरस का दौरा किया था और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की थी। वहीं अब राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों की समस्या जानकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है, वहीं जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में लिखा है कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को सामूहिक संवेदना और सहायता की जरूरत है। वहीं खुद को परमात्मा बताने वाले बाबा नारायण साकार हरि की पोल लगातार अब खुलती जा रही है। अब सामने आया है कि बाबा डांस देखने का भी शौकीन था और बाबा के आश्रम में 1000 से ज्यादा गोपिकाएं भी हैं जो बाबा को डांस करके दिखाती है और बाबा नारायण साकार हरि को प्रसन्न रखती है। इन्हीं में से एक 21 साल की शिवानी है जो बाबा के हर सत्संग में जाती है और बाबा के सामने डांस करके बाबा को खुश करती है। कौन सी ड्रेस पहनती हैं आप? पिंक कलर की। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग होते हैं? हम लोगों में कम से कम होंगे 1000-700 से आऊंगी मेरी सुखावास से। शिवानी ने बताया कि सिर्फ वही अकेले बाबा की भक्त नहीं है बल्कि उनकी माँ भी बाबा के सत्संग में वर्दी पहनकर जाती है और नारायण साकार हरि की पूजा करती है। शिवानी का मानना है कि ऐसा करने से उनके दुख दर्द बाबा दूर करते हैं। क्यों नाचती हैं हरि के सामने? ये तो सौभाग्य है हमारे जो हमको वर्दी दी गई है, हमारे सौभाग्य है जो हमें वर्दी दी गई है। तो जब ये करती हैं तो क्या हरि साकार जो है वो खुश हो जाते हैं? फिर क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो चले जाते हैं अपने आश्रम पे पहुंचते हैं। Z News.